गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में। मैं अजय राणा, सहायक अध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रेमपुर माफी, पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 NCERT गणित के चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना को लेकर। चैप्टर शुरू करने से पहले शुरू कर लेते हैं माइंडफुल एक्टिविटी। बच्चों, इसमें आपने आंखें बंद कर लेनी है, कमर सीधी करके बैठ जाना है और फिर लंबी लंबी सांसें लेनी है। 2 मिनट तक आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी और विषय की धारण क्षमता में विकास होगा। सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए। तो शुरू करते हैं अब आज का लेसन। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे, इससे पूर्व हमने जो है चतुर्भुजों को समझना में वक्र और बहुभुजों के बारे में पढ़ा था, और आज के लेसन में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कोण, युग, गुणधर्म, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपने त्रिभुजों की एंगल सम प्रॉपर्टी कक्षा 7 में पढ़ी होगी, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों की एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो शुरू करते हैं। चतुर्भुजों के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये चतुर्भुज बनाया हमने, ए, बी, सी और डी। अब इसके जो ये चार कोण हैं, 1, 2, 3 और 4, इनके अंतःकोणों का योग क्या होगा, इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा, ये जानना हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुजों का तो हम जानते हैं कि त्रिभुजों के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम इसके विकर्ण को मिला लेते हैं, जो डायगोनल है इसको मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, ए डी बी और दूसरा त्रिभुज सी बी डी। तो आपको मालूम ही है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा त्रिभुज ये हो गया 180, तो कितना हो गया, 2 त्रिभुज हो गए ना, तो 180 प्लस 180, 180 अंश प्लस 180 अंश दोनों को जोड़ के आ गया 360 डिग्री, 360 अंश आ गया। तो इस तरह से चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का, जो चारों के चारों इंटीरियर एंगल्स है, उनका योग 360 डिग्री आता है। तो इसको हम एक एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, इस कार्य को हम एक एक्टिविटी द्वारा भी कर सकते हैं। एक्टिविटी के लिए आपको एक चतुर्भुज ऐसा बनाना होगा कि उसकी एक चतुर्भुज और उसकी 3 प्रतियाँ, टोटल 4 हो गए, सर्वांग सम चतुर्भुज, 4 सर्वांग सम चतुर्भुज आपको बनाने होंगे, और उनके फिर जो है एंगल को, एंगल का नंबर लिख दिया 1, 2, 3, 4, देखिए ये 4 बने हैं, तो इनका नंबर लिख दीजिए। एंगल नंबर 1, इसमें एंगल नंबर 2 को जोड़ दीजिए, अब इसी में एंगल नंबर 3 को जोड़ दीजिए, एंगल नंबर 3 ये आ गया, और फिर हम एंगल नंबर 4 को जोड़ देंगे। ये देखिए, ये तो क्या बन गया, एक पूरा सर्कल बन गया, पूरा वृत्त बन गया, और ये पूरा वृत्त क्या होता है, एक संपूर्ण कोण होता है, और संपूर्ण जो कोण होता है उसकी माप कितनी होती है, 360 डिग्री। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि चतुर्भुज के
चारों अंतःकोणों का योग एक 360 डिग्री होता है। तो इस एक्टिविटी से हम समझ गए हैं। अब क्या चतुर्भुज के ही अंतःकोणों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं या फिर और जो बहुभुज हैं उनके भी अंतःकोणों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं? इस एक्टिविटी को करने के लिए, इस गणना को करने के लिए हम एक तालिका बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। चतुर्भुज के अलावा अन्य बहुभुज भी होते हैं, उन बहुभुजों को भी हम क्या त्रिभुज के इस एंगल सम प्रॉपर्टी वाले गुण से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे आकृति। आकृति उस बहुभुज की, उस पॉलीगन की जिसका हमने कोणों का योगफल ज्ञात करना है, और आकृति के बाद यहां लिखेंगे कोणों का योग। कोण कौन से वाले हैं? अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स। पहली आकृति हमने बनाई चतुर्भुज, चतुर्भुज को बांट दिया दो त्रिभुजों में, इसके विकर्ण को मिलाया तो दो त्रिभुज बन गए। तो जितने त्रिभुज बने, एक त्रिभुज का 180 होता है, तो दो त्रिभुज का कितना हो जाएगा? 2 × 180। इनकी गुणा की तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह से एक बहुभुज और ले लीजिए, ये ले लिया हमने पंचभुज, पांच भुजाएं इसकी हैं इसलिए इसका नाम पंचभुज है। अब इसके भी डायगोनल्स को जोड़ दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, इसके विकर्णों को हमने जोड़ दिया। अब देखिए कितने इसमें त्रिभुज बनते हैं, 1, 2, 3, तीन त्रिभुज बने हैं। तो तीन की गुणा हम 180 में कर देंगे, 18 × 3 = 54 होते हैं, तो 540 डिग्री पंचभुज के अंतःकोणों का योग आ जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या अन्य में भी कर सकते हैं, देखते हैं। एक षटभुज बना के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। एक त्रिभुज बना इसमें, ये दो त्रिभुज बना और 3, 4, 4 त्रिभुज बनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो 18 × 4 कितने होंगे? 72। तो 720 डिग्री जो है, इस तरह से षटभुज के अंतःकोणों का योग आ गया। तो इस विधि से भी हम बहुभुजों के, पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या कोई अन्य विधि भी होगी क्या इसको करने की? देखते हैं, इसको करने की कोई अन्य विधि भी है? अन्य विधि में हम देखते हैं कि इसमें भुजाओं के आधार पर कर सकते हैं। देखिए इसमें लिख लीजिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या लिख लीजिए। जैसे चतुर्भुज है, जैसे नाम ही है इसका चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं, तो भुजाओं की संख्या चार होगी। भुजाओं में से दो घटाया और उसमें 180 से गुणा कर दी, तो देखिए कितना आता है, चार में से दो गया, दो बचा, तो 2 × 180 कितना आ गया? 360 आ गया। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें इस तरह से त्रिभुज भी नहीं निकालने पड़ेंगे, बहुभुज में से इस तरह का चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, हमें तो सिर्फ भुजाओं की संख्या पता होगी और उसी के आधार पे हम इसको कर लेंगे। पंचभुज में देखते हैं करके, पांच भुजाएं होती हैं, पांच में से दो घटाया गुणा 180 की कर दी, अब देखते हैं कितना आता है, पांच में से दो गया 3 × 180 आ गया 540। अब देखते हैं षटभुज में, षटभुज में कितनी भुजाएं हैं? जैसे नाम ही है षट, मतलब 6, हेक्सागोन इसको बोलते हैं, 180।
अब छः सॉरी यहाँ से भुजाओं में से क्या करना है, हमें दो घटाना है, भुजाओं में से दो घटाया और 180 से गुणा कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ बच गया चार, चार से गुणा हमने 180 में की तो हमारा आ गया 18 चौके 72 यानी कि 720 डिग्री। तो इस तरह से हम बिना ये चित्र बनाए भी, हमें सिर्फ भुजाओं की संख्या पता हो तो उसके आधार पे भी हम ये पॉलीगन्स जो ये बहुभुज होते हैं इनके अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पे एक देखिए एक सूत्र भी बन सकता है, एक फॉर्मूला बन सकता है। जैसे n हम लिख देंगे यहाँ, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, इसका एक सूत्र बन सकता है इस आधार पे। देखिए कैसे बनेगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब देखिए n क्या है, n जो है इस बहुभुज जो पॉलीगन है इसकी भुजाओं की संख्या है। n इक्वल टू क्या है, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। इस सूत्र की मदद से आप बिना चित्र बनाए, सिर्फ आपको भुजाओं की संख्या पता होगी, बिना चित्र बनाए ही आप जो है पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स, बहुभुज के आंतरिक कोणों का, अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्नावली से संबंधित आपके, इसी अध्याय से संबंधित आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल कर लेते हैं, देखते हैं। प्रश्नावली है एक, प्रश्नावली है 3.1 और प्रश्न संख्या है 6। प्रश्नावली 3.1 और प्रश्न संख्या हो गई 6। देखिए अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। x कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। एक आकृति इस तरह की दी हुई है, ये देखिए मैं आकृति बना देता हूँ, ये आकृति दी है ऐसे, ये इस तरह का एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अब इसमें कोणों के मान ये दिए हुए, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है और यहाँ पे 130 डिग्री दिया है और यहाँ दिया है 50 डिग्री और ये एक्स कोण है। तो हमें इस एक्स का मान ज्ञात करना है, जो हमें चौथा कोण नहीं दिया है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम वही एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि कोण योग गुणधर्म शॉर्टकट में लिख देंगे, तो हम बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। तो इसको चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज की है ना, चतुर्भुज की एंगल सम प्रॉपर्टी हम उसके हिसाब से इसको कर लेंगे। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 होता है, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 इन चारों को जोड़ करके 360 आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 50 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री इतना आना चाहिए। अब इस तरह के प्रश्न आपने बीजगणित में, अलजबरा में सॉल्व किए होंगे, तो अब इनको जोड़ के देख लेते हैं। पहले जो ये अंक हैं इनको जोड़ के देख ले, 50 और 130 हो गए 180 और ये हो गया आपका 120 और है, तो ये आपका हो गया 180 200 300 हो गया, जोड़ करके सारा हो गया 300 डिग्री। x इक्वल टू 380 लिख दिया था गलती से, यहाँ 360 होना चाहिए था, 360।
अब x इक्वल टू क्या हो गया 360 और ये 300 इसका पक्षांतर होगा, इधर चल जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतर होएगा, इसका इक्वल साइन है इसके दूसरी तरफ जाएगा, तो आप जानते ही हैं आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो x इक्वल टू हो गया 360 में से 300 गया कितना बच गया 60, तो इसका मतलब हमारा जो एंगल x है उसका मान 60 होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक अन्य प्रश्न लेते हैं इसी का, 6 का। 6 में एक दूसरा इसका खंड है, इसमें प्रश्न नंबर है बी, 6 का बी है, इसको देखते हैं। इसमें भी हमें एक चतुर्भुजी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो कोण दिए हैं वो मात्र दो दिए हैं, जो आंतरिक कोण दिए हैं वो केवल दो ही दिए हैं। ये दिया है 60 डिग्री का और ये वाला कोण दिया है 70 डिग्री का, और ये एक्स है जिसका हमें मान ज्ञात करना है, परंतु साथ में इसके एक बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है। इस तरह का साइन बना हो तो इसका मतलब आप जानते होंगे, इस तरह का साइन अगर बना है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमें तो दो ही कोण दिए हुए हैं, तीन कोण होते तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते, अब तीसरा कोण कैसे ज्ञात करें, ये 90 का दिया है ना, और ये है सरल रेखा, और आपने पढ़ा होगा इससे पूर्व की कक्षाओं में कि जो सरल रेखा है उस पर एक और बना हुआ कोण, एक और जितने भी कोण बनते हैं वो सब 180 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये 90 है, तो जो शेष बचा हुआ भाग है वो कितने का होगा, 180 में से हम 90 को घटा देंगे, एक 180 में से 90 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, मान लिया ये कोण नंबर एक है, तो इसकी गणना कर लेते हैं। तो कोण एक एंगल वन इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये कोण भी ज्ञात हो गया, तो 1, 2, 3 हमें ज्ञात हो गया, तो चौथा कोण तो हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब करते हैं इसको, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, पूरे चार हमारे कोण आ गए, चार एंगल आ गए, इनको जोड़ा हमने तो 360 आना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमने तो करके देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इनको जोड़ लेते हैं, 60 और 70 हो गए 130, 130 और 90 हो गए कितने 220, 360 इधर लिख लिया हमने, x इक्वल टू हो गया 360 माइनस 220, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 360 में से 220 घटाते हैं कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो x कोण का मान हमें पता लग गया 140 डिग्री, यही हमें पता करना था। अब इसी क्रम में एक अन्य प्रश्न भी हम ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 6 में ही खंड सी है, प्रश्न संख्या 6 में सी है, इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। इसमें हमें इस तरह की आकृति दी हुई है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसका मतलब 5 भुजाएं हैं, तो ये क्या होगा, ये तो पंचभुज होगा, पंचभुज मतलब पेंटागॉन, पंचभुज को पेंटागॉन भी बोलते हैं ना, और ये कोण दिए हुए हैं ये। अच्छा, ये जो साइन है इसका मतलब तो आपको पता होगा ना, जो ये साइन बने हैं ना इस तरह से, इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनकी नाप बराबर है, ये इसका मतलब होता है। ये 60 डिग्री का है इसका पेंटागॉन का, इसका पंचभुज का जो बाह्य कोण है वो 60 डिग्री का है, और ये वाला इसका कोण दिया हुआ है 70 डिग्री का। तो अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे,
इसमें तो एक ही कोण दिया हुआ है, इससे पहले वाले में दो दिए हुए थे, तो इसका मतलब हमें इसके बाकी कोण ज्ञात करने होंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? अब आपने अभी अभी जो इससे पूर्व वाला प्रश्न किया उसमें देखा कि सरल रेखा पे एक और बने हुए कोण 180 अंश के होते हैं। तो इसमें भी देखिए ये सरल रेखा बन रही है, ये सरल रेखा तो है, आधा कोण मतलब हमें इसका कुछ भाग दिया हुआ है, ये 70 डिग्री का दिया हुआ है, और बाकी हम पता कर लेंगे क्योंकि हमें इसका टोटल पता है 180 का होता है। मान लिया ये कोण नंबर एक है और ये कोण नंबर दो है, तो इनका पता करते हैं कितने का आता है। कोण नंबर एक इक्वल टू हो गया टोटल कितने का है 180 का, तो 180 में से हम 70 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 110 डिग्री। तो कोण एक हमारा 110 डिग्री का आ गया। अब कोण दो का मान ज्ञात कर लेते हैं, कोण दो इक्वल टू 180, ये भी तो सरल रेखा पे है, देखिए सरल रेखा है ना, ये सीधी रेखा, मतलब इस पे बना कोण भी 180 का होगा। तो 180 में से हमें कुछ पार्ट्स उसका दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसको निकाल देते हैं इसमें से, शेष हमें पता लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। इस तरह से हमें एक दो तीन, तीन कोणों का हमें पता लग गया है, तो इस तरह से हम इसके बाकी कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। पर बाकी कोण कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हमें इसके सब अंतः कोणों का योग ज्ञात होगा तभी हम इसके बाकी कोण ज्ञात कर पाएंगे। तो ये तो पंचभुज है, इससे पहले हमारे पास में क्या था? चतुर्भुज था। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? सूत्र तो आपको बताया था ना, एन माइनस टू इंटू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी थी ये पेंटागोन की। तो इसमें क्या एन कितने हैं? पांच छह भुजाएं, एन मन नंबर ऑफ साइड, पांच है, पांच में से दो घटाया और उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पांच में से दो गया कितना बच गया? तीन। 180 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 540। तो इसका मतलब इसके पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होगा। तो जोड़ के देख लेते हैं, करते हैं इसको। सब कोणों को जोड़ के आना चाहिए 540। कौन से वाले कोण? अंदर वाले कोण, आंतरिक जो कोण है, इंटीरियर एंगल्स हैं, उनको जोड़ना। सबसे पहले नंबर एक को ले लेते हैं। नंबर एक है 110 यानी कि 110, दूसरा है 120 और तीसरा है, अभी ये ले लेते हैं 30 वाला, जो नंबर से उनको ले लेते हैं। तो ये है जी, अब ये एक्स, एक्स वाले दो कोण है, एक्स प्लस एक्स, सबको जोड़ के सबका सम करके आना चाहिए 540 डिग्री। देखते हैं हम जोड़ के, 110 और 120 कितना हो गया? 230 हो गया। 230 में 30 और जोड़ लिया कितना हो गया? 260। और एक्स एक्स को जोड़ा हमने तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, 2x हो गया। अब जो है 540 लिख दिया, इधर 540 ही है। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे जैसे इसके इससे पूर्व के सवालों में, इससे पूर्व के प्रश्नों में हमने किया था। तो 540 माइनस, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 260। अब देखिए 540 में से 260 गए कितने बचे? 0 का 0, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचे हैं 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2x इक्वल टू आ गया 280। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 280। अब क्या होता है, जो इधर गुणा में है वो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो हो जाता है भाग में, डिवाइड, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। तो दो से इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 140। दो एकम दो, दो चौके आठ, दो जीरो जीरो, तो x का मान कितना आ गया? 140 डिग्री। यही हमारा आंसर है, x इक्वल टू 140 डिग्री, यही हमारा आंसर है। अब इससे अगला नेक्स्ट करके देखते हैं।
नेक्स्ट है 6 का डी, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पंचभुज के अंतःकोण इसमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5 ये दिया हुआ है, और इसमें कहा है कि इसकी पंचभुज की सब भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये सम पंचभुज है। x x x x सब कोण इसके x के हैं, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, पंचभुज के एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन में क्या होता है, 540 आता है सबको जोड़ करके, इसके अंतःकोणों को जोड़ के 540 आता है। तो इस तरह से हम x प्लस x प्लस x प्लस x कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन सबको जोड़ के 540 आता है। अब कितने x हो गए, 5x हो गए ना, तो सबको जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, 5x बराबर 540। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 540 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 0 0 और 5 8 40, 108 डिग्री का x का मान आ गया। तो ये आंसर हो गया। तो बच्चों आपने आज जो है एंगल सम प्रॉपर्टी में चतुर्भुज और बहुभुजों के आंतरिक कोणों का योग करना सीखा और उससे संबंधित कई प्रश्न सीखे हैं। तो आपने जो बच्चों घर में भी इस तरह से जो ये क्रियाकलाप है, जो ये एक्टिविटी है, ये जो मैंने जोड़ के बताया था आपको, ये आपने जो है घर में भी करना है, और अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने ये ऐसा बनाया है तो आप अलग तरह के चतुर्भुज बना करके इस एक्टिविटी को करेंगे। तो बच्चों आपने ये कार्यक्रम देखा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो बचे हैं वो आप हल करेंगे अपनी बुक में, और हम अब अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। और ये अगर आप ये कार्यक्रम किसी कारणवश नहीं देख पाए तो आप ये कार्यक्रम ये जो उत्तराखंड दूरदर्शन है उसके YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।